बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? सब खैर वाफिया से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उर्दू बरेल में इब्तदाई मुखफ़ाफ़ात। जैसा कि आप ने देखा कि बरेल तर्ज तहरीर में लिखते हुए ज़्यादा कागज़ और मेहनत की ज़रूरत थी, इसलिए इस बात की ज़रूरत थी कि ऐसे मुखफ़ा तरतीब दिए जाएँ जिनसे बरेल में कम वक्त में ज़्यादा काम किया जा सके। ठीक हो गया जी। और इसी मकसद के पेश नज़र बरेल कमेटी ने, जो हमारी बरेल कमेटी है, उर्दू में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के मुखफ़ाफ़ात को निशानात की कमी की वजह से इस तरह तरतीब दिया है कि हरूफ ताजी से पहले नुकात लगाए गए हैं। मसलन हरूफ ताजी से पहले नुकात 5, 4, 5 और 4, 6 के इजाफे जब हम करेंगे तो कम वक्त में हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। जैसा कि डार 5 के साथ जब हम अलमदा के साथ डार 5 लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये आइंदा। दो सेल में हम आइंदा लिखें, क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट ग्रेड में लिखें दर्जा अव्वल में उर्दू की, उर्दू बरेल में, तो ये क्योंकि सफ़ात के और कागज़ की ज़्यादा वो चली जाएगी, मतलब लाइनों में, तो हमने इनको क्या करना, शार्ट करना है। अगर हम आइंदा दर्जा अव्वल में लिखें तो हमारे ये 5 से 6 सेल बनेंगे, तो हमने इसको 2 सेल में लिखना है और हमारा आइंदा बन जाएगा। अलमदाक सा डार्ट 5 का जब हम इजाफा करेंगे तो आइंदा बनेगा ये डार्ट 5 अलमदा के डार्ट 3, 4, 5। अगर हमने प्रो लिखना है, ये हमारा कुल लफ्ज़ी भी है और जोज़ लफ्ज़ी भी है, जब हम पे के साथ डार्ट 5 का इजाफा करेंगे तो ये हमारा बनेगा प्रो। ते के साथ जब हम डार्ट 5 का इजाफा करेंगे तो ये हमारा बनेगा तीर। डार्ट 5 के साथ से ये सवाब बनता है। जीम के साथ जब हम डार्ट 5 का इजाफा करेंगे तो ये बनेगा जंग। और चे के साथ जब हम डार्ट 5 का इजाफा करेंगे तो ये बनेगा 4। और हे के साथ जब हम, अच्छा जी, जब हम चे के साथ डार्ट 5 का इजाफा करेंगे तो हमारे बनेगा 4। और हे के साथ जब डार्ट 5 का इजाफा करेंगे तो ये बनेगा हाल। खे के साथ जब हम डार्ट 5 का इजाफा करेंगे तो ये बनेगा खुश। तो हम इनकी एक एक मिसाल भी करते हैं कि हमने इनको कैसे लिखना है उर्दू बरेल में। अच्छा, तो मिसाल नंबर 1 में लिखा हुआ है, माँ बाप बच्चे की परवरिश करते हैं। ठीक हो गया। तो हम करते हैं कि ये मीम के डाट हैं, अलिफ के नून गुना के माँ, बे अलिफ पे माँ बाप बच्चे की, बे ये इसने शाद के डाट दिए हैं, ये चे के बड़ी के माँ बाप बच्चे काफ छोटे की। ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, डार 5 के साथ लिखा है पे। हमने डार 5 पे के साथ क्या पढ़ा था, प्रो। तो उन्होंने यह क्या किया, डार 5 पे के साथ प्रो बन गया। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वाओ के डार पे उन्होंने क्या दिए, शीन के डार, ये क्या बन गया, परवरिश। ठीक है जी। रे के डार और शीन के डार परवरिश करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमने फुल स्टॉप डाल दे रहे हैं 2, 5, 6। दूसरी इसकी हम मिसाल लेते हैं तीर की। अच्छा जी, तो मिसाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, तेरा भी जवाब नहीं। तो हमने डार्ट 5 ते के साथ हमने तीर पढ़ा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्ट 5 ते लगाएंगे, उसके बाद हम अलिफ दे देंगे, तो ये हमारा बनेगा तेरा, तेरा भी जवाब नहीं। जैसे यहाँ उन्होंने लिखा है डार्ट 5 ते के साथ तेरा, तीर बन गया, उस आगे लिख दिया अलिफ, ये हमारा बन गया तेरा। तेरा भी हमने भे फे थे टे वो हमने पढ़े थे, तो हमारा भे के साथ क्या बनता था, दो तरफ़ा फासले के साथ भी, तो ये भी लिखा हुआ है, दो तरफ़ा फासले के साथ भे के डाट हैं, ये भी बन गया तेरा भी। जीम वाओ अलिफ बे जवाब, नून के साथ हमने पढ़ा था नहीं। ठीक है जी। ये हमारे फुल स्टॉप डाट्स हैं 2, 5, 6, ये इसके। ठीक हो गया, तेरा भी जवाब नहीं। इसके बाद हम मिसाल नंबर 3 को करते हैं, जिनके पास टिकट नहीं है वो जा सकते हैं। ठीक हो गया।
तो इसमें हम जिनके पास टिकट नहीं वो जा सकती हैं। हमने पढ़ा था जंक, ठीक हो गया, डार फाइव जीम के साथ जंक। अच्छा जी, जो जैन के लिखा हुआ है तो ये बाज़ औक़ात इस दफ़ा भी लिखा, इस तरह भी लिखा होता है और इस तरह भी लिखा होता है साथ जीम नून काफ पढ़े के, ठीक है जी। तो उन्होंने दोनों तरह का इस्तेमाल एक ही तरह का लिया है। जैसे ये लिखा हुआ है डार फाइव जीम के साथ, हमने पढ़ा जैंक जंक पढ़ा था, तो उसने आगे दे दिया पढ़िए के डार, ये हमारा बन गया जैन के पे अलिफ शीन पास टिकट नहीं वो जा सकते हैं, हे ये नून गुना अगेन टू फुल स्टॉप के साइन डॉट्स 256। तो हम मिसाल नंबर 4 को करते हैं। जैसा कि मिसाल नंबर 4 में लिखा हुआ है बकरी चारा खाती है, तो हमने डॉट 5 6 के साथ क्या पढ़ा था, 4, ठीक हो गया। बकरी चारा खाती है, बे काफ रे छोटे बकरी, हम डॉट 5 6 4 बन गया। उसके आगे हमने आगे क्या दे दिया, लेफ, ये हमारा क्या बन गया, चारा, ठीक है जी, चारा खाती है। मिसाल नंबर 5 को हम लेते हैं कि इसकी हालत ठीक है, इसकी हालत ठीक है, हमने डार्ट फाइव ए के साथ हाल पढ़ा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हम जेर से क्या बनते हैं, हमारा एस बनता है, डार्ट 1 1 5 से क्या बनता है, एस काफ छोटे की डार्ट फाइव ए हाल बन गया। आगे हमने दे दिया ते के डॉट, ये हमारा बन गया हालत, इसकी हालत, ठीक है जी, ठीक है। हमने ठे के डॉट ये लिखे हुए हैं 135, जब हम इसको दो तरफा फासले के साथ लिखेंगे तो ये हमारा बनेगा ठीक। आगे लिखा हुआ है 125, हमने हरूफ तहजी के साथ बनने वाला मुखफफात को पढ़ा था, हे से है हमने पढ़ा था, ठीक जी, जैसे हमने पढ़ा था बे से बहुत पे से पार ते से, तो ये हे से बनता है, ठीक है जी, इसकी